विधानसभा चुनाव की आखिरी लड़ाई आज है। सातवें चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग है, जिसमें वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर जिले शामिल हैं। सातवें चरण में जिन 7 जिलों में मतदान होना है उनमें 3 नक्सल प्रभावित जिले भी शामिल हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। अंतिम चरण में 1.41 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें 64.76 लाख महिलाएं हैं। कुल 14,458 केंद्र मतदान के लिए बनाए गए हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इन 40 सीटों में से 23 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। बीएसपी को 5, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। और अब हम रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। वाराणसी से हमारे साथ अमित सिंह जुड़े हुए हैं। वाराणसी के ही कैंट से श्रीधर मिश्रा हैं, गाजीपुर से आशीष दीक्षित हैं, चंदौली से आशीष गुप्ता हैं हमारे साथ। हम एक एक कर सभी संवाददाताओं के पास चलेंगे। शुरुआत भोलेनाथ की नगरी बनारस से ही करते हैं। अमित, बताइए कि क्या तैयारियां हैं और 7 तो बज गए, मतदान की स्थिति शुरू हुई? बिल्कुल, मैं इस समय वाराणसी के शहर दक्षिणी के रमाकांत नगर के बूथ संख्या 369, 70 और 71 और मतदान केंद्र संख्या 389 पर मौजूद हूँ। 7 बज गए, आप देखिए मतदाताओं की लाइन लग चुकी है। बस मुझे लगता है 3 से 4 मिनट के अंदर एक एक करके ये अंदर जाएंगे और वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बनारस साउथ की वजह से ही प्रधानमंत्री बनारस को अपना संसदीय क्षेत्र उन्होंने बनाया, और बनारस साउथ सही मायने में, जिसको बनारस को अगर लघु भारत कहते हैं तो उसकी वजह है ये बनारस साउथ। इसी बनारस साउथ में गंगा है, बाबा विश्वनाथ हैं, तमाम घाट हैं, तमाम गलियाँ हैं, जो एक मिक्स कल्चर, एक जो संस्कृति है वो यहीं पनपती। देखिए, ये पहले मतदाता है जो अभी वोट डालकर आ रहे हैं। आपने वोट दे दिया, एकदम पहले वोटर हैं आप रमाकांत नगर के 389 नंबर पर। क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर वोट दिया आपने? मुद्दे बाद में, पहले मतदान फिर जलपान। ठीक है, तो मुद्दे तमाम है काशी के, और एक उम्मीद है कि मुद्दे साहब सुलझेंगे। चलिए, आप भी आई हैं इनके साथ। हमेशा ये शिकायत रही है कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है आधी आबादी की, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो आपने अभी अभी वोट अभी आप करके आई हैं। आप बताइए, क्या कुछ रहा दिमाग में, कौन से मुद्दे हैं या क्या सोचकर वोट किया? अभी तो कोई मुद्दा नहीं है, चलिए पहले वोट दिए, उसके बाद जलपान करेंगे, फिर जो होगा। तो पहले मतदान फिर जलपान, तो दो लोग अभी अभी वोट डालकर 389 मतदान केंद्र संख्या से निकल रहे हैं। तो 7 बजते ही आप देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, बनारस साउथ 5 विधानसभा क्षेत्र है जो मैं अमित आऊंगा आपके पास। अब हम जरा सा श्रीधर का रुख करते हैं, कैंट से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीधर, बताइए आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए शेखर जी, जिस समय हम यहाँ खड़े हैं, जहाँ से हम खड़े हैं यहीं से सारा कारवां निकला था, यही वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जहाँ से 2014 में भी प्रधानमंत्री ने अपना कारवां शुरू किया था और अब भी शुरू किया। इस समय हम आर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ 4 बूथ हैं, 316 से लेकर 319 है, और यहाँ पर 5,000 वोट डाले जाएंगे। एक चीज मैं बता दूं, ये जितने भी वोट डाले जाएंगे इसमें 90% BHU के ही स्टाफ हैं। ये वो बुद्धिजीवी हैं जो एक एक वोट डालने से पहले कई बार सोचते हैं। तो एक चीज और बता दूं आपको BHU की, कि यहाँ के बारे में एक चीज कहा जाता है कि बनारस में जितने भी मतदान होते हैं, अब इसे यहाँ का दुर्भाग्य कह लीजिए कि यहाँ सबसे कम मतदान होता है,
यहाँ बुद्धिजीवी है, यहाँ के स्टाफ लोग हैं, लेकिन कम होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि 7 बजे जैसे ही यहाँ पर शुरू किया गया, 5-6 लोग आए थे स्टाफ के, वो लोग अंदर चले गए हैं। तो और यहाँ की एक बात और बता दूं, यहाँ 9 बजे के बाद से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अमूमन यही टाइम होता है BHU यूनिवर्सिटी में जाने का। तो यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी लोग, जो स्टाफ लोग हैं, वो लोग 9 बजे से ही जाना शुरू करते हैं। और इसके बगल में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सिंह द्वार है, जहां से सारी रैली होती है। तो इस बार प्रधानमंत्री की रैली को देखने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां पर इस बार काफी भीड़ बढ़ेगी हर बार के मुकाबले, और इस बार जो 5000 वोट है उनमें से ज्यादा यहां से वोट। ठीक है, हम आपका रुख भी करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आशीष दीक्षित हमारे साथ चंदौली से जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए, चंदौली में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई क्या? जी बिल्कुल शेखर, चंदौली के नेशनल इंटर कॉलेज में हम खड़े हुए हैं इस वक्त। मुगल सराय और सकलडीहा, चकिया और सैयद राजा, ये 4 विधानसभा सीटें हैं चंदौली में। हम इस वक्त सैयद राजा के ही नेशनल इंटर कॉलेज में हैं, जहां पर ये कुछ लोग, काफ़ी लोग हमारे साथ थे, उन्हें वेट करना पड़ा, तो अब मतदान केंद्र के पास पहुंच गए हैं अपना वोट डालने। और फिर उनसे हम आएंगे, फिर जानेंगे कि क्या, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया और किन कैसा नेता वो चुनना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 शख्स और हैं, उनसे ही हम जान लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने आए हैं और कैसा जनप्रतिनिधि अपने चुनने की वो चाहत रखते हैं। तो आप सुबह सुबह आए हैं, सबसे पहले कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप अभी गए, तो आप कैसा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं स्वच्छ भारत बनाने के लिए मतदान केंद्र पर आया हूं, और मुझे स्वच्छ भारत बनाने का पूरा एकदम अभियान हमारा है। हमारे जितने मतदाता हैं, हम लोग को स्वच्छ भारत चाहिए, स्वतंत्र भारत चाहिए। तो स्वच्छ भारत और स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने हैं दादाजी? वही बात, स्वतंत्र भारत हम भी चाहते हैं कि नहीं, स्वच्छ भी हो अभियान। तो स्वतंत्र भारत और स्वच्छ भारत की ये मांग कर रहे हैं शेखर जी। और मैं आपको बता दूं कि चंदौली जो कि पूरा धान का कटोरा कहा जाता था, या कहिए कि धान के कटोरे की सियासत पक चुकी है, और यहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं जो सकलडीहा, चकिया, मुगल सराय और सैयद राजा में इस वक्त हम खड़े हैं। और सैयद राजा सबसे महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट है यहाँ से, पूर्वांचल के लिहाज से। यहाँ से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह आते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सैयद राजा विधानसभा सीट की स्थिति है, और सबसे ज़्यादा इस लिहाज से कट है कि यहाँ पे पूरा वर्चस्व की लड़ाई है। माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं सुशील सिंह, वो भी आपराधिक कई मामले उन पर भी दर्ज है, और वो मैदान में है। उधर विनीत सिंह है, वो भी जेल में अभी बंद है, और उम्मीदवार उनके बेटे ने सारा। बिल्कुल आशीष, हम आपसे भी चर्चा करते रहेंगे, और एक सुधार मैं अपनी बात में ही कर लेता हूँ। मेरे साथ आज 2 आशीष हो गए हैं, आप बुरा मत मानिएगा। आशीष गुप्ता को मैंने दीक्षित कह दिया था, आप गुप्ता ही हैं।